उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 3 दिवसीय दौरे पर मेरठ में हैं। कल उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया था और आज ये कृषि विद्यालय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय, यहाँ पर इन्होंने छात्रों के साथ जो है दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है और कई छात्रों को सम्मानित किया है, गोल्ड मेडल प्रदान किए हैं। उन्हीं में से कुछ छात्र इस समय हमारे साथ आई, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा लगा उन्हें जब उन्होंने राज्यपाल ने उनसे मेडल प्राप्त किया और किस तरह की भावना उनकी मन में आ रही थी। क्या नाम है बेटा? साक्षी सिंह। साक्षी, राज्यपाल जी ने आपको मेडल दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार इतनी बड़े से मेडल मिल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कि आगे और अच्छे ऐसे मेडल्स हमें लेने हैं और हमें एक साइंटिस्ट बनना है। एक और, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आयुषी सिंह है। आयुषी, कैसा लगा राज्यपाल जी से मेडल लेकर? बेहद खुशी हुई, मुझे मेडल जब मिला तो मेरे मम्मा पापा को जो प्राउड फील हुआ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। बाकी बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। अच्छा, कैसा लगा जब मैडम ने आपके गले में मेडल पहनाया, आपको उपाधि दी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि बरसों की मेहनत अब जाके सफल हुई। एक और छात्र हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नैंसी बत्रा। नैंसी, कैसा लगा जब राज्यपाल ने आपको सम्मानित किया? बहुत अच्छा लगा, पहली बार पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मोमेंट था, काफ़ी प्राउड मोमेंट। और उसके बाद जब उन्होंने मेडल पहनाया, उससे बड़ी खुशी क्या ही हो सकती है, 4 साल की मेहनत एक बार में थी तो का बहुत अच्छा लगा। एक और छात्र हैं, क्या नाम है आपका? प्रतीक सक्सेना। प्रतीक, आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आपको मेडल दिया है, कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम स्टार सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है सर। स्टेज पर सबके सामने मेडल मिला और सर जैसे सबने बताया कि पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं प्रे करता हूँ कि इन फ्यूचर भी उनको ऐसे ही गौरवान्वित करते हैं। आगे भविष्य में क्या कुछ प्लानिंग है? भविष्य में कृषि वैज्ञानिक बनने का विचार है। क्या लगता है ये यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ये कुछ समस्या वगैरह तो नहीं है यहाँ पर जिसको लेकर आपको कुछ बात कहनी चाहते हो? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है, पढ़ाई लिखाई यहाँ की अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा पढ़ने वाला होना। हाँ, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेली। तो ये थे कुछ छात्र जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जिनको आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उन्होंने सम्मानित किया, मेडल दिया है। और इन जो छात्रों के चेहरे पर खुशी अलग दिखाई दे रही है, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं और आज जब उन्हें आनंदीबेन पटेल जो हमारे राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने सम्मानित किया है तो कुछ अलग ही फीलिंग इनके मन में आ रही है जो इनके आगे जो भविष्य होगा उसको सुरक्षित बनाने में मदद करे। एक गोल्ड मेडल जीतने वाली छात्रा और हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह का जो है फीलिंग यहाँ महसूस हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जब गवर्नर ने मुझे यहाँ पे मेडल दिया और उन्होंने पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, मोटिवेट होते हैं कि आगे और भी ऐसा प्राउड मोमेंट्स लाएं अपनी फैमिली के लिए और सबके लिए, एक उदाहरण साबित हो। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि एक लड़की को गोल्ड मेडल, बेटी को गोल्ड मेडल मिला है, तो मैं चाहती हूँ सारी बेटियाँ इस चीज़ से मोटिवेट हों कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? मैं सिविल परीक्षा, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और मेरा मोटिव यही है कि मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू देश की सेवा करूँ। कुछ संदेश देना चाहेंगी और अपने साथी सहपाठियों को या लड़कियों को? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने मन में हमेशा ये रखें कि मैं कुछ कर सकती हूँ, चाहे आपके सामने कितनी भी बाधाएं आए, क्योंकि हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। कोई भी बाधा होती है उसका सोल्यूशन आपके पास ही होता है, तो बेहतर है आप अपने आप की तरफ थोड़ा रुख कीजिए और देखिए आप जीवन में क्या कर सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानी जाती है और आज सब लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मैं तो उसको श्रद्धांजलि देती हूँ, वंदन भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सरदार पटेल जैसे लोगों के नाम से ऐसी यूनिवर्सिटी बनती है तो उसके पद पर चलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज खुशी की बात है कि कई हमारी बेटियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं ऐसी सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक बात ये ध्यान में आई और आपने एक अच्छा
अच्छा काम किया कि परिवार के साथ आपको निमंत्रित किया गया। मदर फादर के साथ में थे कई जगह पर, सिर्फ पिताजी साथ में थे। और जब मैं इनके साथ बात करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई जल्दियों में काम करता हो सरकार में और बेटी को कुर्सी में पढ़ाते हो, ये अच्छी बात है। कोई रेलवे में सर्विस करते हो लेकिन बेटी कुर्सी में पढ़ती है। एक परिवार आंध्र से आए हो, कहां आंध्र में कहां मेरा और बेटी को इधर पढ़ाने के लिए उन्होंने भेजा। ये दिखाता है कि मानव समाज में परिवर्तनों में कितना परिवर्तन आया है। नहीं तो हमारे परिवारों की माता पिता की ऐसी सोच रहती थी कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा बेटी डॉक्टर ही बनना चाहिए, मैं रेलवे अधिकारी हूँ या तो गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ तो वो बेटे बेटी को जॉब दिलाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। बेटे हो या बेटी की रुचि के हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए, ये अभी सब लोगों के ध्यान में आ रहा है। इस पर से हमें लगता है रुचि के हिसाब से उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए लेकिन उसको पशुपालन में इंटरेस्ट है। सबसे पहला बदलाव तो ये है कि हमारी बेटियां कृषि क्षेत्र में आ रही है पढ़ने के लिए। मुझे याद है कि 7-8 साल पहले शायद 8-10 बेटियां पढ़ने के लिए आती होती, आज 50-60% बेटियां एक क्षेत्र में आ रही है, इस क्षेत्र में आ रही है। ये सबसे पहले बदलाव है, ये सबसे पहले बदलाव। जब हम लोग नेक एक्रेडिटेशन की तैयारी करते थे तब कई बातें हमारे ध्यान में आई। आपके कुलपति भी मेहनत तो करते रहते हैं लेकिन अभी ये सूत्र बोला गया, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सब एक साथ नहीं होगा तो नेक एक्रेडिटेशन में ये डबल प्लस लाना, NIRF होना बहुत ही कठिन हो जाता है। सबसे पहले आप सबको ये पता है और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो भी आपने पढ़ी है, इसका स्टडी किया है, 50-60-70-80 वेबिनार किए जिस पर चर्चा की गई है, नीति आयोग ने भी चर्चा की है, एक्सपर्ट कमेटियों ने भी वेबिनार करके अध्यापकों को बताया है कि ये नई पॉलिसी में क्या क्या नया है, क्या करना चाहिए। लेकिन जब नेक एक्रेडिटेशन के लिए बैठे तब पता चला और ये स्थिति बनी थी कि 5 साल तक ये दिखा जाता है कि मैं अपने हर साल आपके सिलेबस में 30% बदलाव किया। देखो तो इसमें ये आ गया कि भाई कोरोना था देश में तो हम लोगों ने कुछ बदलाव नहीं किया, तो 2 साल का जो मार्क्स था अंक था वो तो चला गया अपना। इसमें मुश्किल ये है कि भाई यूनिवर्सिटी में BC तो 3 साल ही रहते हैं, यार कंटिन्यूस किए तो ठीक है नहीं तो दूसरा BC आ गया। अब BC तो बदलते रहते हैं लेकिन अध्यापक सहायक ये तो सालों से वही है। मैं पूछ रही हूँ कितने साल G20 ये सबने पढ़ा है, पेपर में भी पढ़ा है लेकिन मैंने देखा होगा। G20 देशों का एक बड़ा सम्मेलन है और ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक घटना बनी है
और हमारे लिए गौरव की बात है इतने सालों के बाद 17 सालों के बाद G20 का अध्यक्ष जो भारत को दिया गया है G20 देशों के जो करता रहता है ऊपर वाले का ये सब देश में आएंगे और ये मेला आए इसके पहले भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने अपने अपने राज्यों में कई कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरा विषय ये है कि ये G20 देशों के लोग तो इधर आएंगे कार्यक्रम होंगे वही साइन होंगे सब कुछ होगा लेकिन यूनिवर्सिटी इसमें किसी हिस्सा ले सकती है ये आपको सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि G20 देशों की बैठक है उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों आगरा वाराणसी लखनऊ और ग्रेट नोएडा में आयोजित की जा रही है। तो आज चार जो बड़े हमारे सिटी है इसमें भी लोग आए हैं, आसपास के लोग भी इसमें जुड़े हैं। तो हमारे दायित्व है कि कुलाधिपति और कुलपति इसमें हिस्सा लेगा। कुलाधिपति होने के नाते मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस महा इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तथा कुछ ऐसे मेधावी छात्रों का चयन करें जो G20 बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को संवाद स्थापित करने के लिए विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर बनाए जाने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। जापानी लोग आए जापानी भाषा में बोलना पड़ेगा तो हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं हमारी किसानी ये सब जब जापान को बताना है तो जापानी भाषा में बतानी पड़ेगी ना। तो जापानी भाषा सीखने वाले कितने बच्चे यूपी में कहाँ कहाँ पढ़ते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी उसके साथ जोड़ना पड़ेगा सरकार को देना पड़ेगा। कैमरामैन शिवम के साथ प्रेम शंकर जनवाड़ी न्यूज़ मेरठ।